Hello, welcome to Arvind Singh Academy. This is another lecture, number 5, on basic concept of chemistry. I hope you have already watched part 1 to part 4 before watching this part 5. In this lecture, we will discuss about the scientific notation, how to write this, and scientific calculation as well, significant figure, and some uncertainty principle about the calculation. तो आइए आज इस पे बात करते हैं कि सबसे पहले अनसर्टेनिटी क्या है. अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी जो होती है वो अनिश्चितता, नाम जैसा हिंदी में है कि अनिश्चितता, मतलब निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इतना है. जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कहूँ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कोई अनिश्चितता वाली बात नहीं है. मैं अगर कुछ कैलकुलेट करने के लिए कह दूँ कि इस क्लास में कितने बच्चे, तो आप कैलकुलेट करके बता देंगे कि इसमें क्लास में, पूरे क्लास में 55 या 58 या 56 बच्चे हैं. तो इससे क्या होता है कि आप एक निश्चित, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप निश्चित रूप से कैलकुलेट करेंगे. तो अभी जैसा कि हमारा अटेंडेंस बता रहा है कि इस क्लास में 58 बच्चे इन्वॉल्व हैं, प्रेजेंट हैं. तो 58 बच्चे इस क्लास में प्रेजेंट हैं, राइट? तो ये आप कह सकते हैं कि 58 से 59 तो नहीं हो सकता. अगर कोई आपसे कहे, किसी ने आपने से कैलकुलेट किया और काउंटिंग की, चाहे मैं ही, मुझसे ही मैंने काउंट किया है, मेरे अटेंडेंस जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो बता रहा है कि 58 बच्चे हैं, आप कहें कि नहीं सर इसमें तो 64 बच्चे हैं, तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे. हम कहेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. क्यों? हमें अपने सिस्टम पे भरोसा है, हमें अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है, हमें अपने सॉफ्टवेयर पे भरोसा है, और अपने अटेंडेंस के सिस्टम पे भरोसा है. और मैं कह दूंगा कि जिस ऑपरेटर से, जिस सिस्टम से, जिस काउंटिंग मेथड से हमने काउंट किया है वो परफेक्ट है, उसमें कोई अनसर्टिनिटी वाली बात नहीं है. आप में से कहा, किसी को कह दिया जाए कि ठीक है आप विश्वास नहीं है तो गिन के देख लो, और आपने काउंट करके देखा और देखा कि 58 ही है, तो आप भी कहेंगे, आपसे अगर कोई कहे कि नहीं 58 नहीं 54 है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बेट लगा लो, आप कुछ भी हो जाए, लेकिन हम मानेंगे नहीं कि 54 है, क्योंकि आपने काउंट किया है और आपको 58 है. तो यहाँ कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. लेकिन अगर कहा जाए कि कुछ ऐसी चीजें कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कह दें कि अच्छा बताइए आपके शरीर में कितने बाल हैं, तो ये आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि कितना है. ये इसकी काउंटिंग हो ही नहीं सकती आसानी से, और ये बहुत ही मुश्किल काम है जिसमें बिल्कुल ही करीब करीब भी नहीं बताया जा सकता है कि 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है या 10 लाख है, ऐसा कुछ कहना संभव नहीं है. लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कि अच्छा ठीक है बताइए, यहाँ पर जो आपके हाथ में जो ये लाइंस हैं यहाँ पे वो कितनी है यहाँ पे पूरी में, तो यह भी आप नहीं बता सकते कि कितने हैं इसमें लाइंस हैं, ये आप पता नहीं कर सकते. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक बकेट ऑफ फ्लावर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको जल्दी से बताओ कि इसमें कितने लीफ है, तो आप अंदाजा से, चूंकि हो सकता है कि उसमें बकेट ऑफ फ्लावर्स में कुछ लीफ भी होंगे, कुछ फ्लावर भी होंगे, तो आप फ्लावर और लीफ की संख्या जो है लगभग लगभग बता सकते हैं, या कह दें कि एक दो ज्यादा या कम होगा. कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको कैलकुलेट करते हैं तो हम कह देते हैं कि प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 1 है, एक या दो ज्यादा हो सकते हैं या एक या दो कम हो सकते हैं. तो आपको कुछ काम ही कर रहे हैं और आपको टाइम हम कैलकुलेट करने के लिए कहें कि बताइए अभी तक क्लास कितनी देर हो गई, तो आप कह दें कि देखिए अभी तक क्लास जो है वो 3 मिनट कुछ सेकंड हो गई है, लगभग 4 मिनट प्लस माइनस 5 सेकंड हो गई, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक आप जवाब दे रहे हैं तब तक 1 सेकंड आगे पीछे हो सकता है. तो इस तरीके से आप जो है वो हर एक चीज में एक्यूरेट कैलकुलेशन करना थोड़ी मुश्किल है. तो जहां पर एक्यूरेट कैलकुलेशन करना मुश्किल है वहां पर जो कैलकुलेशन रहता है वो एकदम सर्टेन नहीं रहता, अनसर्टेन रहता है. तो इस बात को हम कहते हैं अनिश्चित रहता है, तो उसको हम अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेशन में होती है. अब ये अनसर्टेनिटी को कैसे हम डील करते हैं केमिस्ट्री में, ये आज सीखना है, ठीक है. So the topic is uncertainty. In measurements,
uncertainty in measurements. And this, what is this? First of topic in this one, uncertainty क्या है? वो आपने समझ लिया वो कि जहाँ पे certain calculation नहीं हो सकता, वो measurements में uncertainty होती है. कोई length ही measure करना है, accurate length आप measure नहीं कर पाते हैं, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे measurement में क्या है? Uncertainty है. तो ऐसे ही अब हम एक चीजों को जिस मान ली मेजर करना है और किसी को कहा जाए कि ठीक है कैलकुलेट कीजिए, बहुत छोटे कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है, एक एटम का हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, तो ये कैलकुलेट करने में चूंकि बहुत ही छोटा बहुत छोटा होता है, तो इसको ऐसे इतने सारे डाटा बोलने में बहुत दिक्कत होगी. लगभग इसमें ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की मास हमें कैलकुलेट करना है तो इसमें 19 डाटा होते हैं, 1920 डाटा इसमें है. अब इस सारे डाटा को हैंडल करना एक बार में और बार बार लिखना बड़ा मुश्किल काम है. इसी तरह से मैं अगर कहूं कि चलिए बताइए कि एक एटम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोलिक पार्टिकल्स हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम में कितने पार्टिकल्स हैं, तो वो भी कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में वहां पे 24 लगभग पॉइंट होते हैं, 24 डाटा होते हैं, तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होगा. इसलिए हर एक डाटा को लिखने का ताकि उनको कैलकुलेशन आसानी से किया जा सके और हैंडल आसानी से किया जा सके, एक सबसे पहले नोटेशन यूज किया गया जिसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन कुछ भी नहीं है, एक लिखने का तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन. ये क्या है? ये कुछ नहीं, एक लिखने का तरीका है. किस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को लिखना है कि 3,510 को लिखना है. अब इसको साइंटिफिक वे में लिखना है तो हम क्या करें और कैसे लिखें, या 512 है ऐसा कुछ, 3,000 ये लगभग 30,512. सो हाउ टू राइट दिस? So to write this, one can write here 3,000,530,512 because हमने यहाँ पे क्या किया है, decimal रखा है. decimal रखा है मतलब 10^1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10^6 से divide किया है, इसलिए 10^6 से हमें क्या करना चाहिए, multiply करना चाहिए. तो 10^6 इसको लिख सकते हैं, यानी जितना डेसिमल प्लेस आप राइट से, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे डेसिमल प्लेस है, समझ लीजिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस है, कहीं नहीं है मतलब यहाँ पे है. तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स डिजिट के बाद आपने डेसिमल प्लेस को शिफ्ट किया है, इसलिए इसको 10^6 लिख देंगे. ऐसे ही अगर कहीं लिखा है 0.0000 0, 4, 5, 6 तो आप कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे अगर लिखना है तो इसको आप लिख देंगे 4.1. यहाँ पे जो ये डिजिट होनी चाहिए, ये डिजिट क्या होनी चाहिए, यूजुअली ये डिजिट नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, तो 4. क्या लिख दिया, 5.6. ठीक है, 4.56. अब डेसिमल को कहाँ हमने शिफ्ट किया है, राइट में नहीं, हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में. तो लेफ्ट में चूंकि लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, डेसिमल को कितनी प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें लिखना चाहिए 10^-5. इस तरीके से लिखने पर कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और कहीं पर भी कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है. तो इस लिखने की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, द वे ऑफ राइटिंग ऑफ एनी नंबर्स और वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनी सच नंबर्स इन दिस पैटर्न कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. व्हाट इज दिस साइंटिफिक नोटेशन? तो ऐसा लिखने से क्या होता है कि कैलकुलेशन करने में आसानी होती है. तो जैसे मास ऑफ एक हाइड्रोजन की बात करें तो होता है 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम, राइट ना? सो ये 10^-24 ये बहुत ही छोटा नंबर है और इस छोटे नंबर को कैलकुलेट करना होता है, इज इक्वल टू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम.
हाइड्रोजन एटम एटम। तो इस तरह से छोटे छोटे नंबर को कैलकुलेट करने के बाद भी बड़ी ही आसानी से अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सो व्हाट टू डू कि अब हम इस पे कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर इसी तरह से मान लीजिए कि कहा जाए कि एक हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स होंगे, तो आप कह सकते हैं, या एक हाइड्रोजन के एलिमेंट में कितने होंगे, एक मोल में कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, तो आप क्या कह सकते हैं कि 6.022 × 10²³ एटम्स को हम कहते हैं, एटम्स को 1 मोल कहते हैं। तो इस तरीके से ये सब डाटा जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत छोटा भी है। तो ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, इतने बड़े बड़े और छोटे छोटे डाटा को हैंडल करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत होती है। तो जैसे मैंने कहा कि ऐसा लिखने से ये कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता है, तो आइए देखते हैं कि आसान होता कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमें एक सबसे पहले एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की पहले बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किस तरह से होता है साइंटिफिक नोटेशन में डाटा लिखने के बाद। तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आप ये समझ लीजिए कि डाटा जो है इसको हम कैसे लिखेंगे। डाटा को यहाँ लिख दिया हमने, जैसे मान लीजिए कि 0.23 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 3.22 मल्टीप्लाई बाई, या 3.2 ऐसा लिखा हो, मल्टीप्लाई बाई 10⁵ है, तो इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, दो चीजें हैं जिसको हमें कैलकुलेट करना है, एक चीज ये है एक चीज ये है, और दोनों को प्रोडक्ट करना है। यानी इसको अगर ये दोनों को प्रोडक्ट करना है, ये है ए ये है बी, और हमें निकालना है ए बी, व्हाट इज ए बी इज व्हाट। तो आप इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि इन डाटा को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लें और पावर को प्लस कर दें। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि a^m × a^n अगर हो तो हम बेस सेम हो तो पावर को प्लस कर देते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 दोनों के बेस होने से पावर को प्लस किया जा सकता है ना, बेस दोनों के सेम होने से ये पावर को प्लस किया जा सकता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं 3.02 × 0.23 × 10⁻⁴ × 10⁵। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.46। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डाटा आएगा, 23 × 2 = 46, हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। 4 × 4 = 23, 3 = 69 + 4 = 74, 69 + 4 = 23, 2 = 46, कैरी 4 × 23, 3 = 69 + 4 = 74। लेकिन ऐसा करने से ये जो हमने डाटा कैलकुलेट किया, डेसिमल के 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया, इस तरह का आ गया, और यहाँ पे इसको 10⁻⁴ क्या लिख देंगे, −4 + 5। सो व्हाट विल हैपन, दिस विल कम लाइक 0.746 × 10⁻¹। अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.46, और इस तरह से इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन इस तरह का हो सकता है आसानी से, यानी इसमें ज्यादा झमेला नहीं है। अगर ये डाटा को पूरे पूरे पैटर्न में लिखा होता तो ये ज्यादा मुश्किल हो सकता था। इसी तरह से अगर हम डिवीजन करें, मान लीजिए कि डिवीजन करना चाहते हैं, तो डिवीजन करने के लिए क्या करना होगा। अगर डिवीजन करना है हमें, मान लीजिए कि ये लिखा है कि 1.23 × 10⁻¹, राइट, इन 10⁻¹ डिवाइडेड बाई, वी हैव टू डिवाइड एंड दिस इज 4.1 × 10⁻⁷। तो आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में दो चीजें हैं यहाँ पे भी, एक ए ये है और बी ये है, और हम चाहते हैं कि ए बाई बी निकाले, सो वी वॉन्ट ए बाई बी। तो क्या होगा, ये 1.23 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 4.1 × 10⁻⁷,
इसको भी आप लिख सकते हैं 1.23 डिवाइडेड बाई 4.1 जीरो लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद जीरो लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप लिख सकते हैं ऐसा इंटू 10 to the power 17 -7। क्यों? क्योंकि पावर जो होता है वो क्या हो जाता है ऊपर जाके माइनस, a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, देन a to the power m-n होता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, आप डिवाइड करेंगे तो पहले तो 4.1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 times क्या डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए 4.1 इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, तो ये 3 times कैंसिल हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 3.0 × 10 to the power 24। सो इस तरह से डिवीजन को भी आसानी से किया जा सकता है, कोई भी नंबर हो उसको डिवाइड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नंबर्स को पहले डिवाइड करें और पावर्स को ऊपर जाके माइनस हो जाता है सब्ट्रैक्ट कर ले, तो इस तरह से डिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो बात है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, तो इनके लिए एक रूल बनाना पड़ेगा। वो रूल क्या है, रूल ये है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा के जो 10 के पावर होते हैं उसको सिमिलर बनाना पड़ेगा, फर्स्ट कन्वर्ट द डाटा इन सिमिलर पावर ऑफ 10, राइट, एंड देन एड और सब्ट्रैक्ट द गिवन वैल्यू। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए कि किसी को कहा जाए कि अच्छा 6.023 × 10 to the power -5 और मैं प्लस कीजिए, ए ये है और बी ये है कि आपको 38.38 पॉइंट आपको लिखना है 77 लाइक दिस प्लस इनटू 10 to the power -3, तो आप कैसे करेंगे, अब ये दोनों डाटा को प्लस करना है और फाइंड करना है आपको a प्लस b, तो क्या करेंगे, अब ऐसे डाटा को देखिए यहाँ पे जो पावर है वो है क्या -5 और यहाँ पे पावर है वो क्या है -3, तो आप या तो इसको -5 में कन्वर्ट करें, -5 -3 में कन्वर्ट करें, या इसको -5 में कन्वर्ट करें, दोनों में से किसी एक के पावर को आपको बराबर करना है, या दोनों को -4 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अब किसी को शंका ना रहे इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि इसका पावर -5 करते हैं, तो -5 करें, ए को ऐसे अगर मैं लिख दूं 6.023 × 10 to the power -5 और बी को अगर ऐसे मैं लिख दूं 0.3877 × 10 to the power -3, -3 अब बिकम नाउ बिकम -5, राइट ना, तो ये -5 हो गया 10 to the power -5, सॉरी सॉरी दिस इज नॉट लाइक दिस, हियर व्हाट इज दैट, बी कैन बी रिटन एज दिस इज 3.38.38 and 77 into 10 to the power -5, राइट ना, डेसिमल प्लेस विल मूव टुवर्ड्स राइट, राइट, सो वी नीड टू डिवाइड दिस इज व्हाट, देन इट विल कम लाइक दिस, सो टू प्लेस राइट शिफ्टेड, नाउ वी कैन ऐड देम, ए प्लस बी विल बी 3.77 एंड दिस कैन बी टेकन कॉमन एंड नाउ 7 + 6 दिस कैन बी रिटन लाइक 3.77 + 0 + लाइक दिस 3.6 point something 0.23 लाइक दिस, डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए, और इस डाटा को अगर हम लिखें ये 10 to the power -5, यहाँ पे भी 10 to the power -5, तो ये चीज कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ऐसा लिखें तो ये हो जाएगा दिस प्लस 6.023 एंड दोनों में कॉमन क्या है 10 to the power -5, तब
तो इससे क्या हो जाएगा, ये 6 इसमें प्लस हो जाएगा, 77 प्लस 6 इज व्हाट 83, सो दिस विल बी 3883.0 इनटू 10 टू द पावर -5. एंड इन साइंटिफिक नोटेशन व्हाट वी कैन राइट, इफ डेसिमल प्लेसेस शिफ्टेड टू दिस 3.883 इनटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से आंसर लिखा. अब किसी के दिमाग में ये होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये आंसर आया 3.883, क्या लिखा है हमने, 3.883 इंटू 10 टू द पावर कितना -5, ये आया आंसर. अच्छा, अब इसी को हम मान लेते हैं कि कोई कहता है कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखना चाहते. सॉरी, 10 टू द पावर यहाँ कितना आ गया, सॉरी 10 टू द पावर आया. हमने कितने प्लेस लेफ्ट शिफ्ट किया है, ध्यान से देखिए एक बार, ये यहाँ से डेसिमल को शिफ्ट किया है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट किया है, मतलब क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होना है, मल्टीप्लाई करना है. तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1, 2, 3, 3 प्लेस के, तो 3 से करोगे तो यहाँ 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, यहाँ पे जो पहले 5 था वो हो जाएगा कितना -2, तो ये आंसर आ जाएगा. अब इसी चीज को दूसरे तरीके से करते हैं, ए इज इक्वल टू, फिर लेते हैं आप कहें कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ए इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर -5, और बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, बी इज इक्वल टू है हमारे पास 38.77 इंटू 10 टू द पावर -3. तो क्या करोगे, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आप लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है. आप दोनों का पावर, इसका भी पावर 3 करना चाहते तो -3 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसका भी पावर तो हमें 10 टू द पावर -4 लिखने का मतलब ये हुआ कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जो होगा यानी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब इधर की ओर शिफ्ट होगा, ये जो होगा पावर इंक्रीज तब करता है जब हम लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं, तो ये होगा 0.6023 इंटू 10 टू द पावर -4. यहाँ पे पावर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, -4 करने का मतलब डिक्रीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि डिक्रीज कर रहा है तो डेसिमल किधर की ओर शिफ्ट करेगा, राइट की ओर. तो इसको आप लिख सकते हैं 387.7 इंटू 10 टू द पावर -4. अब दोनों का एडिशन करें, नाउ ए प्लस बी निकालना है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 387.7 प्लस 0.6023 इंटू 10 टू द पावर -4. आप इसको देख के डरे नहीं, बिल्कुल ही आसान है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ऐसा है देखिए ध्यान से, 7.7 और ये है 0.6023, तो हम इसको अगर प्लस करें तो ये होगा 3, इसके बाद तो कितने भी जीरो लिख सकते हैं, 3, 2, 0, 7, 6, 13 कैरी 1 एंड 7 प्लस 1 8 एंड 3, 8, 8 एंड 3 विल सेम, सो ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा जो चीज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 388.03023 इंटू 10 टू द पावर -4. अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट होना है, डेसिमल अगर लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है पावर, तो यहाँ पे 2 डिजिट अगर शिफ्ट करूं डेसिमल को तो पावर इंक्रीज होगा 2 से, तो -4 प्लस 2 कितना रह जाएगा -2, यानी 3.883023 इंटू 10 टू द पावर -2 ये रह जाएगा. ठीक है ना, तो 3.883023 ये रह गया इंटू 10 टू द पावर -2. यहाँ पे भी यही चीज किया हमने, इसमें भी हमने ये 3.83 कर दिया है, ये 30 और ये बाकी की चीज लिखना भूल गया था, सॉरी. सो ये कैन बी रिटन एज 023, दिस इज 023 इंटू 10 टू द पावर -5. यहाँ पे भी लिख देंगे वही चीज कि उसके बाद वाले नंबर्स क्या हैं, ये है 683023 इंटू 10 टू द पावर -2 आंसर. सो सेम चीज आएगी, आप देख लिए कि चाहे जैसे मर्जी वैसे करें, सबको 4 में कन्वर्ट कर दें, सबको 3 में कन्वर्ट कर दें, सबको 5 में कन्वर्ट कर दें, सबको 7 में कन्वर्ट कर दें, आंसर जो होगा वो सेम ही होगा,
तो इस तरह से एडिशन कर सकते हैं और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस साइंटिफिक नोटेशन की वजह से। चलिए एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का भी ले लेते हैं। ए अगर मान लीजिए लिखा है 332.05 इंटू 10^2 एंड बी लिखा है 288 इंटू 10^3 लाइक दिस 288 इंटू 10^3। तो आपको पहले कैसे करना होगा, आपको निकालना है बी माइनस ए, बी माइनस ए आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ए को और बी को दोनों को एक जैसे पावर में लिख देंगे। एक जैसे पावर में लिखने का तात्पर्य यह है कि अब या तो इसको टू करें, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेसिमल को क्या करना होगा, लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। तो इसको आप लिख देंगे 3. ए को लिख सकते हैं ये, बी को पहले हमने लिख दिया 200 b - a 208, बी ये है 288 इंटू 10^3 एंड ए को लिख दिया हमने 10^3 लिखना है, पावर इंक्रीज करना है मतलब डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो 3. ये हो जाएगा 3.0205 इंटू 10^3 राइट ना, 10^3 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इन दोनों को माइनस करना है, तो ए माइनस बी में क्या होगा 288 - 3.205 इंटू 10^3 एंड आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2.84, 284.5 एंड दिस विल बी 9 एंड देन 7, 795, 284, 795 इंटू 10^3 ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डाटा जो है उसको हैंडल करने में बहुत ही दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। आइए अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, और दूसरा अगला टॉपिक हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इस पे अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं दो वर्ड्स के बारे में, दो वर्ड्स जिसकी बहुत जरूरत है हमें, और उन वर्ड्स के को समझते हैं कि क्या होता है, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में राइट ना। तो प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेट क्या होता है, ये दो वर्ड अगर हम समझ जाएं तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर समझने में मदद मिलेगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक आर्चरी है, आर्चरर है, जिस जो धनुष बाण जो निशानेबाज हैं उनको निशाना लगाने के लिए कहा जाए, और इस तरह का डैट बोर्ड बना होता है, आपको पता ही होता है डैट बोर्ड, और इस डैट बोर्ड में उनको कहा जाए निशाना लगाने के लिए। तो इसमें अलग अलग रीजन होता है, ये रीजन होता है कुछ इस तरह का जो एक कलर का होता है, ये मेन है, ये टारगेट है, यहाँ पे निशाना लगाना है। लेकिन वो आदमी क्या करता है कि निशाना यहाँ पे ना लगा करके, हाँ वो जो है उसका बार बार उसने को कहा गया कि चलिए आप 3 बार निशाना लगाइए, और उसने ये टारगेट है हमारा और टारगेट ये है ठीक है, लेकिन वो आदमी निशाना लगा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे लगा रहा है, कई सारे निशाने लगा रहा है, तो वो निशाना जो है उसका प्रिसाइज माना जाएगा क्योंकि सारी वैल्यू एक दूसरे के करीब है, लेकिन ये जो है एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट ये प्रिसाइज होगा, कि प्रिसीजन का मतलब यह हुआ कि जो है वो क्लोज है। अगर कोई आदमी यहाँ पे निशाना लगाए, यानी एक निशाना यहाँ पे लगाए और एक निशाना यहाँ पे लगाए, तो ये एक्यूरेट कहा जाएगा। ये प्रिसीजर प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है ठीक है। अगर इसी तरह से कोई कहे कि निशाना जो लगाना है वो यहाँ पे एक लगाए और एक यहाँ पे लगाए और एक यहाँ पे कहीं पे लगाए, तो एक यहाँ पे लगाए, तो ऐसी स्थिति में इसके जो निशाने हैं उनको हम कहेंगे नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। इसका मतलब है कि प्रिसाइज का क्या मतलब होता है, प्रिसाइज प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब द वैल्यू, हाउ द वैल्यू क्लोज आर, द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर
each other, then values are called precise value, right ना? ये प्रिसाइज हो सकते हैं अगर वो बहुत आपस में क्लोज है, ठीक है। बट अब एक्यूरेट क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होगा इसी तरह से, तो एक्यूरेट वैल्यू किसे कहेंगे, एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट एक्यूरेट कहेंगे द वैल्यू व्हिच इज ऑब्टेंड आफ्टर measurements are very close to true value, then such value are called accurate. Such values are called accurate. Accurate, right? Such value are called accurate value. मतलब that is, इस जितने भी measurement है उसका average जो है वो true value के close होना चाहिए। जितने भी आपने measurement से value निकाली है उसकी true value के close होनी चाहिए। तो precision जो है वो है close to each other। जरूरी नहीं है कि वो accurate भी हो। जैसे मान लीजिए कि फिर से एक बार हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ये दो value हमने निकाली, तो ये दोनों प्रिसाइज है, यहीं पे निकल रहा है, तो ये सब वैल्यू प्रिसाइज है बट ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अगर ये सारे एक दूसरे के बहुत क्लोज है लेकिन एक्यूरेसी से बहुत दूर है, तो ये प्रिसाइज तो हो सकते हैं लेकिन ये एक्यूरेट नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर वैल्यू मान लीजिए कि एक यहाँ मिल रहा है और ये मैं कह दूं कि वैल्यू एक यहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है वो कह सकते हैं कि ये टारगेट है, ये यहाँ पे ये डेड बोर्ड की बाउंड्री है, तो एक वैल्यू अगर यहाँ मिल रहा है दूसरा यहाँ मिल रहा है, तो ये तो ना तो प्रिसाइज है ना एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर भी हैं और एक्यूरेसी से भी बहुत दूर हैं, तो दे आर नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। लेकिन अगर वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है ऐसा कि यहाँ पे वैल्यू हमें मिल रहा हो, यहाँ पे और यहाँ पे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये कहेंगे कि ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ये सारे प्रिसाइज और एक्यूरेट है, क्योंकि इन सब का अगर एवरेज निकाले तो ये ट्रू वैल्यू के अराउंड मिल जाएगा, इनका एवरेज अगर निकाला जाए तो ये ट्रू वैल्यू के अराउंड मिल जाएगा। तो इसलिए ये प्रिसाइज पहली स्थिति में ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू है ये क्या है, ये प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, ठीक है। अच्छा, ये neither precise nor accurate, these are neither precise nor accurate, ठीक है, ये है, इसको आप लिख सकते हैं neither precise nor accurate, accurate, ठीक है, ये है, और ये क्या है, precise as well as accurate, precise and accurate, precise and accurate, एक्यूरेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो मिल रही है प्रिसाइज और एक्यूरेट है, तो आप ये कह सकते हैं कि वैल्यू जो निकलती हैं उनको आप कैसे डील करेंगे। अगर मान लीजिए किसी को मेजरमेंट करने के लिए कहा जाए और ट्रू वैल्यू है, एग्जांपल के तौर पे ये समझ लीजिए कि मेजरमेंट करने के लिए कहा जाए और ट्रू वैल्यू जो है वो है मान लीजिए कि 5, लेंथ ऑफ समथिंग, लेंथ ऑफ वायर से लेट length of a wire is 5 centimeter, say 5 centimeter, and one student obtained the length is 2 measurements has been taken by student A, say a student's Golu, नाम दे देता हूँ, और उनके गोलू, और उनके first measurement है, ये first measurement है, और ये second measurement, and say their name are like say the name are Golu, और Golu ने measure किया 1.4.5 and 4.6,
दे आर वॉट दे आर, दे आर प्रिसाइज वैल्यू, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो ये प्रिसाइज है लेकिन ये एक्यूरेसी से बहुत दूर है ना। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया कि दूसरे स्टूडेंट का नाम मान लेते हैं कि ये है मीना, ठीक है मीना, और ये जो मीना है इसने कैलकुलेट किया दो वैल्यू, एक 4.5 और दूसरा वैल्यू कैलकुलेट किया 5.8, ठीक है। तो ऐसा ये तो प्रिसाइज भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है और एक्यूरेट भी नहीं है, इस तरह की वैल्यू को कहेंगे नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। तीसरा एक है लल्लन, लल्लन जी जे कैलकुलेट किए, ये इन्होंने कह लीजिए लल्लन, इन्होंने कैलकुलेट किया और इन्होंने कैलकुलेट किया 5.02 एंड 4.98, तो ये कहेंगे कि ये क्या है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो इस तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, चूंकि वैल्यू मुझे लगता है कि अब इस एग्जाम्पल के जरिए आप आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये है जो वैल्यू, ये प्रिसाइज भी है, ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट, ठीक है। ये क्या है, नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, नॉर एक्यूरेट, एक्यूरेट, और ये क्या है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, एंड एक्यूरेट भी है, क्यों, इसका अगर हम एवरेज निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एवरेज निकालने से पता चलता है कि क्या है, प्रिसाइज है कि एक्यूरेट है कि क्या है। तो आप इसके अगर दोनों बहुत क्लोज हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि प्रिसाइज वैल्यू है, अगर जो मेजरमेंट वाली वैल्यू है, और अगर दोनों बहुत अलग अलग हैं और ट्रू वैल्यू से बहुत दूर हैं, यानी उसका एवरेज भी ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। और अगर ऐसा हो कि वैल्यू जो है वो उनका एवरेज जो है वो ट्रू वैल्यू के आसपास आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि मेजरमेंट कैसे की जाती है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में थोड़ा सा सीखा अभी, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं और सिग्निफिकेंट फिगर है क्या ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, उनके कुछ रूल्स हैं कि हम किसको सिग्निफिकेंट मानेंगे और किसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। लेकिन तब तक आपने डाटा में ये समझने की, हमने समझाने की कोशिश की और आप लोगों ने समझने की कोशिश की किस प्रिसाइज, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क है, कब हम कहेंगे कि डाटा प्रिसाइज है, कब हम कहेंगे कि डाटा एक्यूरेट है। सो अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।